एक व्यक्ति जिसने लगा दी $2 मिलियन में आग। बात तो काफी हैरानी वाली है, तो आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से उस बंदे ने इतने सारे रुपए में आग लगा दी। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों, कोलंबिया में रहने वाला ये शख्स जिसका नाम है डॉन पेब्लो एस्कोबार, इसकी नेटवर्थ $30 बिलियन की थी। ये शख्स एक ड्रग माफिया था जिसने पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस नेटवर्क बना रखा था। ड्रग माफिया होने के कारण इसको किंग ऑफ कोकेन के नाम से भी जाना जाता है। ये व्यक्ति इतना अमीर था कि $1,000 सिर्फ रबड़ बैंड खरीदने पे ही खर्च कर देता था। ड्रग माफिया होने के कारण पुलिस से बचने के लिए उसने अपनी फैमिली के साथ पहाड़ों में बने एक घर में पनाह ले रखी थी। पहाड़ों में टेम्परेचर कम होने के कारण वहाँ उसकी बेटी को सर्दी लग गई। अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए उसने वहां पर आग जलाने का सोचा। अफसोस, उसको कोई भी लकड़ी नहीं मिली। अपनी बेटी की हालत को देखते हुए उसने अपने बैग से कैश निकालकर जलाना शुरू कर दिया। जलाते जलाते इस बंदे ने $2 मिलियन तक जला डाले, जो कि आज के समय में 16 करोड़ रुपए बनते हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञानी गुरु फैक्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।